उस्ताद ने गैस का सिलेंडर उठाया, वो उठाया वहाँ जब पहले जाके चेक, तो हमेशा आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे ही ना कि यहाँ पे जो ऊपर से बिठाते फिर नीचे से ही टाइट हो जाते हैं। अब इमेजिन करो जैसे मेरा फ्रिज पड़ा है, मैंने उसकी सुनी, मैंने कहा कि बिजली बिजली कैसी थी, तो उनका बेच कर दे ना, आवाज की और बंद हो गया। आ गया, जब मैं ये चेक करता हूँ ऐसे टेस्ट लगा, जो बटन चालू करता हूँ हैमिंग होती है, मैं एक चीज से क्लियर, मेरा एसिड ब्रदर से ही मेरा कम। यहाँ पे नट लगा लेंगे, आपको गुटका पेचकस चाहिए होगा, तो पेचकस दिखा दी कौन सा, मेरा ये सब देख सकते हैं, मैं जिससे टाइट कर रहा हूँ बनती नहीं है बात कि मैं सारी। फिर आप दूसरे पे आ जाएंगे, अब मैं क्या करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूर कर अपने पास से तार निकाल दो, उस तार पे मैं इस तरीके की धूप करने लगा या टेप लगा के रखा। अब इस तार को मैं, हम अभी तीसरा नट लगा रहे हैं, एक पिन कॉमन में लगाते हैं। इसके लिए आपको गुटका पेच का बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब इतना ये छोटा आ रहा है। अब देखो ये बड़ा हमने लाया तो बड़ा मतलब क्रॉस में जा रहा है, इससे नट टाइट नहीं होगा, गुटका ये बिल्कुल स्ट्रेट और हाथ में भी फिक्स हो जाता है। आप तो रिले का मैंने काम आपको समझाया था कि इसका काम है 90% कंप्यूटर को मिला के नट आपको पूरे टाइट कर देना है। अब मैंने एक पिन यहाँ लगा दी, एक पिन यहाँ लगा दी, तो स्टार्टिंग और इसको मिला के चलाएंगे कैसे, क्योंकि आपको जब मैं चालू तार लगाऊंगा ये स्टार्ट, तो हमारी मोटर बिल्कुल फिट हो चुकी है। हाँ रिले यही करती है, मैंने भी, तो अभी आपको ये जो इसका यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लंबा सा, आपको इस पे आयल लगा लेना है, कट कट पे एक हाथ तक, यानी फिर ऐसा उंगलियों से, और हम ये इसीलिए लगा रहे हैं, ये जो अंदर का ये देखें, ये जो इसका ये बुश है ना, ये इसके अंदर सही से जाएगा नहीं, फंसेगा, जब हम तेल लगाएंगे तो बिल्कुल रवा हो जाएगा ये, फिर चले जाएगा। ये हमें लगा देना है, ये थोड़ा जोर देना पड़ेगा, नीचे से नट तो टाइट नहीं है, खुली नहीं लगी, आराम है सारा मका पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सही से फिट नहीं हो रहा है स्टॉक, ये देखो, तो अभी हमें इसको ड्रम के आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा इसके पुल्ली के अंदर नहीं जा रहा है, हमें क्या करना है ऊपर से ड्रम को पकड़ के दबा देना है, ये देखें नीचे का अंधेरे ही आ रहा है, बैठ गया है, देख सकते हैं आप, बस ये भी हमारा बिल्कुल सही से लग चुका है। अब हमें इसके लिए नट चाहिए होगा, तो ये इससे फ्लशिंग इससे हुए सब कुछ है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, चलाने का तरीका भी समझ, अब डायरेक्ट कैसे चलाना है, कोई दूसरी पिन में आपको नट को बिठा देना है, वो डायरेक्ट लेंदे जो दिया था आपने, हम लोग पिन लगा के रखते हैं, देखा मैं टामी चाहिए, देखिए आप नट, अब इसमें पिन नहीं है ना, हम लोग है ना दांत वाली पिन रखते, एक दांत वाली पिन यहाँ लग जाती है, एक दांत वाली पिन हजार लेंद फिर इसको वैसे हजार लेंद अभी भी समझाऊंगा समझिए ना, अगर इसके अंदर हल्की भी सी चाल आ गई तो ये पूरा ड्रम पूरा ऐसा कर फाड़ देगा, और आपका याला भी ड्रम फाड़ देगा, आपकी मशीन बेकार हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि पुल्ली बिल्कुल पुल्ली में चाल ना आए, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें।
सब्सक्राइब करो शेयर और हम ऑनलाइन क्लासेस भी हम कर रहे हैं और स्ट्रीम कर में आप स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। बटन बंद करो। 11 बजे ऑनलाइन क्लासेस होती है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।